नमस्कार, बिजनेस टिप्स एंड ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो दोस्तों, आप 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर एक एकड़ जमीन पे 60,00,000 रुपए तक इनकम अपनी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है और क्या क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी टाइप का बिजनेस से जानकारी जानना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस की जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमसे आप पूछ सकते हैं कि आपको कैसे करना है और आपको क्या क्या करना है। जी हाँ दोस्तों, आजकल हर एक व्यक्ति हर्बल औषधियों को बहुत ज्यादा महानता दे रहा है, यानी कि उनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, हर्बल की खेती इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि किसानों ने कई औषधीय पौधे लगाना बड़े पैमाने पर स्टार्ट कर दिया गया है, इसलिए आज हर्बल औषधियाँ बहुत ज्यादा डिमांड पर चल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथिक को छोड़ के एलोपैथिक में भी आजकल हर्बल से बनने वाली दवाइयों को इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, यानी कि केमिकल युक्त दवाइयाँ भी खत्म होने वाली हैं। यदि आप हर्बल का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी साबित होती है दोस्तों। एक यही कारण है जिसके कारण इसकी मांग में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी हो रही है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही एक औषधीय खेती के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस खेती की यानी कि इस औषधीय फूल की ना बहुत ज्यादा डिमांड भी है और यह अन्य की तुलना में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस पौधे का नाम है सताबर और दोस्तों अंग्रेजी में इसे एस्पैरागस कहते हैं। कई लोग इसे शतमली और कई लोग इसे शतमरीका कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम सभी जानते हैं, किसान बहुत ही मेहनत से धान गेहूं जोते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर सही समय पर बरसात ना होने पर किसान को बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। सताबर बड़े आराम से कई क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है, मतलब किसी भी जगह उसे उगाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सताबर का प्रयोग उसे मुख्य रूप से औषधि के रूप में भी किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका इस्तेमाल शरीर में फुर्ती लाने के लिए, मानसिक संतुलन को जो खराब होता है उसको ठीक करने के लिए, कई ऐसी बीमारियों के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सताबर के नियमित रूप से सेवन करने से एनीमिया जैसी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में इसकी डिमांड की बात करें या इसकी इनकम की बात करें तो सताबर की खेती से बहुत ज्यादा पैसे भी आप कमा सकते हैं, यानी कि आपकी इनकम भी बहुत अच्छी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप एक साल में ही 50,000 इन्वेस्टमेंट पे लगाकर आप एक एकड़ जमीन में ही आप 6,00,000 रुपए तक की कीमत को इनकम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी आप साल का 3,00,000 रुपए तक कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं सताबर की खेती, मार्केट और उसकी कीमतों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सताबर की खेती के लिए मध्य तापमान बहुत अच्छा माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, खेती के लिए तापमान 10 से 50 डिग्री सेल्सियस तक बहुत ज्यादा ठीक होता है। जी हाँ दोस्तों, यह फसल 18 महीने में तैयार होती है। इसके लिए मिट्टी बलुई और दो मिट्टी होनी चाहिए। सताबर की जड़ों से दवाइयाँ तैयार होती हैं और इसे 18 महीने बाद इसकी मिट्टी गीली हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब इसे सुखाया जाता है तो इसका वजन एक तिहाई बस रह जाता है। मसलन यदि आप 10 क्विंटल सुखाते हैं तो आपके पास सिर्फ 3 क्विंटल ही रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, सताबर एक ए ग्रेड औषधीय पौधा है और इसकी फसल 18 महीने में तैयार होती है। दोस्तों, सताबर की जड़ों से दवाइयाँ तैयार होती हैं। फसल का दाम गुणवत्ता पर ही प्रदान करता है। बरेली निवासी धर्मेंद्र सहाय सताबर को बड़े पैमाने पर जो करते हैं, उन्होंने सबसे पहले एक एकड़ जमीन पर ही अपनी ये फसल को बोया था। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग ली और उन्होंने लखनऊ से 15,000 रुपए तक का बीज भी खरीदा था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उन्होंने फिर उसकी नर्सरी तैयार की और उसके बाद बताई गई विधि से इसको उन्होंने बोया। धर्मेंद्र के अनुसार उन्होंने अपनी खेती को 2 साल में बेचा था। जी हाँ दोस्तों, कुल खेती की कीमत उन्हें 6,30,000 रुपए मिली थी। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र ने बताया कि वह अब 12 एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं। एक एकड़ में कुल सारा खर्चा मिलाकर 50,000 रुपए तक का खर्चा आया था
और दोस्तों सी मैक के वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव जी ने उन्होंने बताया है कि उन्होंने कई सतावर की वैरायटीज भी डेवलप की है। जी हाँ दोस्तों, जिस क्षेत्र में शून्य से नीचे तापमान नहीं जाता उस क्षेत्र में सतावर की खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। प्रति एकड़ से आपको 200 या 250 से लेकर गीली जड़ें मिलती हैं। सूखने के बाद 40 से 50 क्विंटल ही प्राप्त होती है। सतावर को अगर प्लास्टिक से लगाया जाए तो खेती में बहुत कम नुकसान होता है। दोस्तों अपनी पैदावार को मजबूत और अच्छी भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसकी खरीद की बात करें तो लखनऊ की शादतगंज मंडी बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर होती है। दोस्तों इसके अलावा लखनऊ के अलावा यदि हम किसी और क्षेत्र की बात करें तो कानपुर में भी इसकी बहुत ही ज्यादा बिक्री होती है, यानी कि बड़े पैमाने पर यह बिकता है। दिल्ली की खरी बावली मंडी में भी यह बहुत ज्यादा बिकती है, बनारस मंडी में होती है। सतावर को हरिद्वार, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बनारस आदि बाजारों में बेचा जा सकता है। इसके अलावा विभिन्न आयुर्वेदिक कंपनियां जैसे कि पतंजलि, डाबर, अनेक ऐसी कंपनियां डायरेक्ट इसकी खेती को यानी कि इसको डायरेक्ट मंडी या किसानों से खरीदती हैं। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र के हिसाब से वर्तमान के इसके प्राइस 250 से 300 प्रति किलो पर बिक रहे हैं। ऐसे में यदि आप बेहतर 30 क्विंटल भी बेच पाते हैं तो आपको आसानी से 7 से 9 लाख रुपए आसानी से मिल सकते हैं। यदि भाव और मोल यदि सस्ते रेट पर बेचा जाए तो 6 लाख रुपए तक आप इजीली कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सतावर की खेती से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें इससे और ज्यादा प्रेरणा मिलती है ऐसे कुछ वीडियोस बनाने के लिए। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।